टेक और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप एक ही डिश एंटीना से दो टीवी कैसे चला सकते हैं और आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको दो सेट ऑफ बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। दो सेट ऑफ बॉक्स तो होने ही होने चाहिए क्योंकि अलग अलग टीवी है तो अलग अलग सेट ऑफ बॉक्स होने चाहिए। और यहाँ पे कनेक्शन किसका आएगा, मतलब यहाँ पे हम क्या ऐसा कनेक्ट करें, क्या हम वायर को सीधी कनेक्ट कर दें, ठीक है, और ऐसे कनेक्ट करके दो टीवियों में ले जाएं, या फिर कुछ और चीज़ जैसे कि हमारा स्विच होता है, ठीक है, एक स्विच होता है और एक होता है हमारा स्प्लिटर, एक होता है हमारा स्विच, एक होता है हमारा स्प्लिटर। तो कौन सा यहाँ पे कनेक्ट करना है, क्या हम सीधी वायर कनेक्ट करें, क्या हम स्विच कनेक्ट करें, क्या हम स्प्लिटर कनेक्ट करें। अब मैं आपको बताता हूँ, सीधी वायर कनेक्ट हमने नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप सीधी वायर कनेक्ट करेंगे ना, जैसे ये वायर जा रही है तो आप वायर भी कनेक्ट कर देंगे यहाँ से, कुछ और कनेक्ट करेंगे तो इसमें भी सिग्नल जो है चला जाएगा, किसी में सिग्नल नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें स्विच का यूज़ करना है, ना ही हमें स्प्लिटर का यूज़ करना है। स्प्लिटर क्या होता है, इस तरीके से एक डिवाइस होती है, डिवाइस नहीं होती, बस एक मेटल का पीस होता है, यहाँ पे एक वायर होती है और ये दो वायर यहाँ पे निकल जाती हैं। सिंपल होता है, कोई सर्किट नहीं होता इसके अंदर, लेकिन जो स्विच होता है हमारा, इसके अंदर हमारा सर्किट होता है, ये 4:1 स्विच होता है, ठीक है, या 2:1 भी आता है, अमेज़न पे लिंक है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके का स्विच आता है। तो चलिए अब इसको सेटअप कैसे करना है पूरे को, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरीके से ये जो है स्विच आता है, ये देखिए 4:1 डिस EQC स्विच आता है। तो ये स्विच आपको मिल जाएगा 70 से 80 रुपये का, वैसे ऑनलाइन ये मिलता है कम से कम 250-300 रुपये का मिलता है, वो भी 2:1 मिलता है, 4:1 नहीं मिलता। यहाँ पे आप चार टीवी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसे मैंने कहाँ कनेक्ट किया है, और मैं आपको बता दूँ, मैंने ये भी कनेक्ट किए थे, सीधे तार भी कनेक्ट किए थे, पर दोनों टीवियों में से कोई किसी टीवी में हमारा सिग्नल नहीं आया। अब हमने स्विच कनेक्ट किया है और मैंने स्प्लिटर भी कनेक्ट किया था, स्प्लिटर में भी सिग्नल नहीं आया। इसको कनेक्ट करना स्प्लिटर का एक ही काम होता है, ठीक है, दोनों वायरों को जैसे आपस में जोड़ देना, स्प्लिटर भी वही करता है कनेक्शन, ये सीधा हम कनेक्ट करते हैं वैसा ही काम करता है स्प्लिटर। लेकिन जो स्विच होता है उसके अंदर कुछ ऐसे सर्किट्स होते हैं जिसको वो पावर को डिवाइड कर देता है। तो चलिए देखते हैं पूरा सर्किट, एंटीना की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि स्विच मैंने कहाँ लगाया है। और मैं बता दूँ, एक टीवी मेरा ये है, देखिए वहाँ से वायर आ रही है, तो ये वायर ऊपर से आ रही है, ठीक है, और एक टीवी मेरा ऊपर छत पे है, तो दोनों दिखाता हूँ। पहला टीवी ये है और दूसरा टीवी मैं आपको दिखाता हूँ, और दूसरा टीवी हमारा ये है और ये वायर ऊपर से आई हुई है, ठीक है। अब इसका जो कनेक्शन है वो मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरा टीवी हमारा ये है, और मैं इसको चला के दिखा देता हूँ, चल रहा है ये बिल्कुल। तो इसमें टीवी ट्यूनर कनेक्ट किया गया है, ये तो देखिए टीवी बिल्कुल सही चल रहा है ये, और चैनल भी लगभग सारे आ रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं कि कैसे कनेक्शन किया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वो एंटीना लगा हुआ हमारा, ठीक है, वो एलन भी लगी हुई है, वहाँ से सीधी वायर हमारे यहाँ पे आ रही है। तो मैंने प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे कुछ ईंटें रख रखी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके नीचे क्या सिस्टम है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के डिवाइस लगा रखे हैं मैंने, तो ये रिसीवर होता है यहाँ से, और यहाँ से आप चार LNB लगा सकते हैं, दो यहाँ से, दो यहाँ से, और ये जा रही है हमारी टीवी, जो सबसे नीचे बड़ा टीवी है उसमें मैंने जो आपको दिखाया था, तो वो ये वायर है, और ये वायर वो है जो नीचे जा रही है दूसरे टीवी में। तो इस तरीके से आपको एक डिवाइस लगाना पड़ता है, ये इसके बिना टीवी आप नहीं चला सकते। यहाँ पे आप चार टीवी भी चला सकते हैं, और भी कई सारे आते हैं जिसपे आप 6 TV भी चला सकते हैं। तो ये आता है एक डिवाइस, ठीक है, ये होता है स्विच। तो यहाँ पे इसको प्रोटेक्शन के लिए रखा हुआ है ताकि इस पर धूप वगैरह ना पड़े, क्योंकि इसके अंदर सर्किट्स वगैरह होते हैं ना, वैसे तो ये फुली प्रोटेक्टेड होता है, वाटरप्रूफ होता है, लेकिन फिर भी सन की हीट इस पर आती है, तो उस वजह से इस पर जो ऐसी कुछ मैंने बना रखा है थोड़ा ढक जाता है। तो इस तरीके से आप एक ही डिश एंटीना से इससे दो टीवी चला सकते हैं या चार टीवी भी चला सकते हैं। तो मैंने पहले वो स्प्लिटर आता है एक, हाफ स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो ऐसा स्प्लिटर मैंने लगाया था पहले, लेकिन उसे कोई इतनी हेल्प मिली नहीं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, अपने घर में या पड़ोस में सिग्नल दे सकते हैं, अगर फ्री डिश, ये फ्री डिश का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आप पड़ोस में भी दो या चार TV आप लगा सकते हैं ईज़िली, और कोई पावर की प्रॉब्लम आप में नहीं आएगी, सब में TV चलेगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। मैं बहुत सी वीडियो देखी थी लेकिन ढंग से किसी ने नहीं बताया था,
लोग ऐसे ही बताते थे कि ऐसे ऐसे स्विच, किसी ने बताया कि सीधा कनेक्ट कर दो और चल जाता है, सीधा कनेक्ट करने से नहीं चलता। भाई मैंने खुद ट्राई किया है तो नहीं चला, तो ये स्विच लेके आना पड़ा मुझे। तो इस तरीके से आप इसमें कनेक्शन कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।